कि वो अपनी रचनाएं सुनाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि युवाओं और वरिष्ठ और धवल केशियों का संगम करने की कोशिश की गई है इस अनौपचारिक गोष्ठी में, तो कविता में भी अलग अलग वय के कवि हमारे साथ हैं। और हम इस वजह से ऐसा रखते हैं कि हमें पता चले कि हर पीढ़ी के लोग क्या सोचते हैं, क्या लिख रहे हैं। तो पूजा पुनेठा जी, आपके पास 10 मिनट का वक्त है, अगर हाँ आप जी, मेरी पहली कविता है बंजर जमीन का पौधा। मैं बंजर जमीन का पौधा हूँ, नम मिट्टी बारिश की दरकार नहीं, मुझे खुश्क हवाओं की तलब रहती है। मैं जकड़ता हूँ, पनपता हूँ, मरता नहीं। मैं जकड़ता हूँ, पनपता हूँ, मरता नहीं। मेरी खुराक तेज सूरज की तपिश होती है। मैं रंगहीन, मैं रूपहीन, मैं सुगंधहीन, मैं भावहीन, कांटों से मेरी पहचान होती है। मैं नग्न, एकांत, शांत, स्थिर, मैं बंजर जमीन का पौधा हूँ। मुझे लगता है आप सब लोगों को पसंद आई। मैं ज़्यादातर गंभीर ही लिखती हूँ, दिखती नहीं हूँ। मेरी दूसरी कविता है गठरियाँ। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, सड़कों और किताबों से बातें करना। पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, सड़कों और किताबों से बातें करना, अपने सवालों की गठरी बनाकर दबा देना उनके मन के भीतर। उनके मन के भीतर ऐसी अनगिनत गठरियाँ हैं। पहाड़ क्यों गिरा देते हैं अपनी देह के हिस्से? नदियों में बाढ़ यूं ही तो नहीं आती। पेड़ अचानक इतना शोर क्यों करते हैं? सड़कें क्यों चूसने लगती हैं लहू? और शेल्फ में रखी कुछ किताबें अचानक गुमशुदा क्यों हो जाती हैं? इन घटनाओं के होने पर सब अपने अपने तर्क दे रहे होते हैं, पर मैं जानती हूँ कि तुम सब जानते हो कि एक दिन सारी गठरियाँ खुल ही जाती हैं। एक और कविता, आवारा हवाएं। जंगल की आवारा हवाएं ठहरे तो खामोशियों का गला चीर दें, ठहरे तो खामोशियों का गला चीर दें, बहके तो तबाही के निशान भी ना बचें, मछलें तो रोम रोम में सिरहन फैला दें, फिसलें तो बाढ़ों माफ कीजिएगा फिसलें तो बाढ़ों सी बह जाएं, कुरेदें तो धरती से जीवन निकले, सिमटें तो घटा दें तन्हाइयों का फैलाव, हंसें तो बिखर जाए मौसमों में लाल रंग, हंसते तो बिखर जाए मौसमों में लाल रंग, कसलें तो पिघल जाए रात का मंजर, मनमौजी अल्हड़ पागल दीवानी, जंगल की आवारा हवाएं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कुछ और कविताएं जी। नहीं, समय की पाबंदी नहीं है, पाबंदी मुझे लगता है समय का अपर लिमिट है, लोअर तो कुछ तय कर नहीं सकते। जी, शुक्रिया। एक और कविता, खामोश वादे। कुछ वादे बोलते नहीं, कुछ वादे बोलते नहीं, सिर्फ उतरते हैं आहिस्ता से दुखते मन को सहलाने को। तुम्हारा कांधे पर हाथ रख देना बर ही कह देता है दूर तक साथ चलने को, मगर आवाज नहीं करता। चांद का बैठ जाना सट कर बगल की खाली जगह चुपचाप, एहसास कि तुम साथ हो मध्यम स्वर में बजता है। किताबें खींच कर बैठाती हुई
हौले से कानों में सुनाती हैं, नया कुछ भी नहीं, ये सबके साथ होता है। ठंडी सी बहकी हवा फिजा में घोल कर तेरी याद के टुकड़े, ठंडी सी बहकी हवा फिजा में घोल कर तेरी याद के टुकड़े चप्पे चप्पे में फैली उदासी को महकाने लगती हैं। मेरे आंगन का पीपल मुझे आगोश में भरकर, मेरे आंगन का पीपल मुझे आगोश में भरकर सूखे पत्तों के झुंझुने बजाकर सुला देता है। और ये बारिश कभी बिन बुलाई सहेली सी, और ये बारिश कभी बिन बुलाई सहेली सी भूली यादों को गुदगुदाते हुए देह भिगोने लगती है। बड़े ख़राब से बीते हुए दिन का वो आखिरी लम्हा, बड़े ख़राब से बीते हुए दिन का वो आखिरी लम्हा गालों को थपथपाते हुए कहता है, देखा सब बीत ही गया। तुम चांद किताबें हवा पेड़ बारिश और लम्हे सब कितने खामोश हैं। धन्यवाद पूजा जी। धन्यवाद। अब मैं निखिल जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात भी रखें और कविता पाठ भी करें।